ओम शांति। 12/1/2022 आज के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है, देही अभिमानी बनना है, मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। प्रश्न है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? उत्तर है, देह अभिमान के कारण, जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं, ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है, विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है, पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। दूसरा है, विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है, वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती, वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करणहार समझकर कर्म किया, कभी करावन हार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली हो उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं, तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। ओम शांति।